ऐश्वर्या अभिषेक की लाडली बेटी आराध्या बच्चन अब तो पूरे देश की लाडली बन चुकी हैं। आराध्या एक छोटी सी एक्टिविटी से पूरे देश दुनिया में छा जाती हैं। कभी उनका मेकअप तो कभी उनका नमस्ते करने का स्टाइल तो कभी पेपराजीज के सामने कूल पोज देना हर किसी के दिल में बस चुका है। आराध्या फैन फॉलोइंग के मामले में बड़े बड़े स्टार्स को भी टक्कर देती हैं। होली सेलिब्रेशन के सामने आई आराध्या बच्चन की फोटोज ने फैंस का दिल जीत लिया। उनके फोटोज अभी भी इंटरनेट पर छाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल की होली आराध्या और बच्चन फैमिली के लिए काफी खास थी, क्योंकि अब आराध्या नेक्स्ट ईयर अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि अपने फ्रेंड के साथ होली मनाती दिखाई देंगी। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि ऐश्वर्या अभिषेक की बेटी आराध्या जल्द ही विदेश शिफ्ट हो जाएंगी। ऐश्वर्या इस बार की होली को अपनी बेटी आराध्या के लिए ज्यादा स्पेशल बनाना चाहती थी, क्योंकि आराध्या अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए अब्रॉड जा सकती हैं। आराध्या फिलहाल धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। एग्जाम होने के बाद आराध्या 10वीं क्लास में पहुंच जाएंगी। आगे की पढ़ाई के लिए आराध्या लंदन या फिर न्यूयॉर्क के लिए शिफ्ट हो जाएंगी। आराध्या कब विदेश जाएंगी ये तो पता नहीं, लेकिन आराध्या के पेरेंट्स उनकी पढ़ाई विदेश कराना चाहते हैं। और आराध्या के जाने के बाद उनकी मम्मा ऐश्वर्या बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। ऐश्वर्या ने इस बार फैमिली और करीबी दोस्तों के लिए होली पार्टी होस्ट की थी। पार्टी में ज्यादातर आराध्या के दोस्त को ही बुलाया गया था, क्योंकि ये आराध्या की स्पेशल होली रही है। अब आराध्या के विदेश जाने की खबरों में कितनी सच्चाई है जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तो आराध्या बच्चन परिवार में अकेली हैं, इसलिए उनके जाने के बाद बच्चन परिवार भी बहुत अकेला पड़ जाएगा। पूरे देश में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से और शोर शराबे के साथ मनाया गया। कहते हैं होली कैसा त्योहार है जब दुश्मन भी गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बच्चन परिवार में भी माहौल कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चन परिवार में होली पार्टी होस्ट की गई और ये पार्टी ऐश्वर्या ने रखी थी, जिसमें जया बच्चन शामिल नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जया और ऐश्वर्या के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, और यहां भी देखने को मिला ऐश्वर्या ने ये होली खासकर अपनी बेटी आराध्या के लिए रखी थी। और इस पार्टी में आराध्या के ही ज्यादातर दोस्त दिखाई दिए। बताया जा रहा है ऐश्वर्या ने आराध्या की होली स्पेशल पार्टी में ननद श्वेता को नहीं बुलाया, क्योंकि हाल ही में श्वेता की बर्थडे पार्टी थी जिसमें ऐश्वर्या आराध्या और अभिषेक भी शामिल नहीं हुए थे। इस बार ऐश्वर्या की पार्टी में श्वेता नहीं शामिल हुई। ये बात जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो भी पोती की स्पेशल होली सेलिब्रेशन में नहीं शामिल हुई। पोती आराध्या की स्पेशल होली इसलिए भी थी क्योंकि आराध्या कुछ ही महीनों में विदेश शिफ्ट हो जाएंगी। हर बार आराध्या की आगे की पढ़ाई विदेश करवाना चाहता है। आराध्या कुछ सालों तक विदेश में ही रहेंगी, ऐसे में शायद अगली होली पर आराध्या अपने दादा दादी और फैमिली के संग नहीं होने वाली है, इसलिए ऐश्वर्या ने उनके लिए बिग पार्टी रखी। लेकिन यहाँ तो जया बच्चन ने होली के रंग में भंग कर दिया। उन्होंने खूब क्लेश किया और फिर ऐश्वर्या होली पार्टी खत्म होते ही अपने मायके निकल गयी। जी हाँ, क्लेश के बाद ऐश्वर्या भी बच्चन हाउस छोड़कर मायके चली गयी। इस बार की होली में बच्चन परिवार में एक अलग ही तमाशा देखने को मिला। ऐश्वर्या ने होली पार्टी रखी और उसमें जया और श्वेता शामिल नहीं हुई। क्या नव्या नवेली के अपकमिंग पॉडकास्ट को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। नव्या नवेली के अपकमिंग पॉडकास्ट में उम्र और एक्सपीरियंस पर बात होगी। शो का नया प्रोमो सामने आ चुका है। 3 जनरेशन इस मुद्दे पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, और इस बार के एपिसोड में भी ऐश्वर्या और आराध्या शामिल नहीं हुई। शो में एक मोमेंट आया जब किसी बात पर श्वेता की माँ और बेटी संग बहस हो गई। नव्या ने पूछा, क्या आपको लगता है जितनी गलतियाँ आप करोगे उतना ही ज्यादा जिंदगी में सीखोगे? श्वेता के मुताबिक बच्चों को गलतियाँ करने दो। जया बच्चन ने कहा, एक्सपीरियंस तब काम आता है जब आप कुछ पेचीदा परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करते हो। श्वेता ने बेटी नव्या की आदतों का जिक्र किया, बताया बिना सांस लिए वो बोलने लगती है, कोई मॉड्यूलेशन कॉमा या फिर फुल स्टॉप नहीं होता। नव्या ने भी माँ को जवाब देते हुए कहा कि उनकी माँ ऑर्डर देते हुए बात करती है। नातन से जया भी सहमत दिखी। श्वेता ने बात मानने से साफ इनकार कर दिया। जया ने कहा, तुम हमारी बात सुनो, हमें एक्सपीरियंस है। नव्या ने कहा, उनके पास टॉपिक पर बात करने की काफी कुछ है। लोगों ने ऐश्वर्या को बीच में घसीट दिया। किसी ने कहा, जरूर होली के हंगामे में ऐश्वर्या से अब नई लड़ाई हुई होगी, जिस वजह से ऐश्वर्या इस शो में अब कभी नहीं आएंगी।